मुझे हर टाइप का म्यूज़िक पसंद है, ऐसे कुछ नहीं है। मैं नाचना भी बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आई लाइक लिसनिंग टू इवन लॉट ऑफ EDM म्यूज़िक, लेकिन आई थिंक नथिंग बीट्स अ लाइव बैंड और लाइव म्यूजिशियन और लाइव म्यूजिशियनशिप्स। और इनफैक्ट ये जो मूवी है पुरानी, जिन आपको देखेंगे, गिटार जो है, नथिंग बेटर फॉर मी देन अ गिटार एंड अ वॉइस। वो जो गिटार और आवाज़ वाली, जो मेरे बहुत सारे गाने हैं, मेरा पहला गाना जो रिलीज़ था बोलो ना, वॉज प्रिटी मच अ गिटार एंड वॉइस काइंड ऑफ यू नो जिप्सी फ्लेमेंको। और अभी दिल आजकल अभी नहीं आना, अंबर सरिया जो पिछले साल था, वो भी बिल्कुल इसी जॉनर का था, जो अकूस्टिकली बहुत सिंपल है, ज़्यादा धुंधड़ाका नहीं हो रहा है आवाज़ पे और गाने पे, और दिल से गाने पे, यू नो दैट इज़ द मेन थिंग। यू सिंग फ्रॉम द हार्ट, सिंग फ्रॉम द सोल, एंड म्यूजिक ओनली ब्यूटिफाइज इट, एनहेंसेज इट, ना कि डजंट असॉल्ट यू। तो दैट्स द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक। लेकिन हर मूड पे एक्चुअली डिपेंड्स, आप दिन के कौन से टाइम में हो, कहाँ पे हो, हर टाइप का म्यूज़िक प्लेज अ रोल। आई कैन इम्प्रूव मच मोर, लेकिन मैं जब भी गाती हूँ, कोई भी गाना गाती हूँ, दिल से ज़रूर गाती हूँ, और मेरे मन में एक स्टोरी प्ले आउट करता है। जैसे ये जो गाना है, जो नया इसका वीडियो भी रिलीज़ हुआ है, दिल आजकल, मुझे पता था कि KK ने एक वर्जन गाया है जो मूवी के बिगिनिंग में आता है, तो मैंने इनफैक्ट सुना भी नहीं गाने को, क्योंकि आई डिडंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड कि मैं उस हिसाब से ना गाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं फिल्म को समझूं, कॉन्टेक्स्ट को समझूं, और सीन को समझूं कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये गाना आएगा, मेरा वर्जन आएगा, कि मैं उसे उस फीलिंग से इन्फ्यूज़ करूँ। तो आई थिंक जहाँ पर मेरा गाना आता है, वो आपको मेरे गाने से ही वो स्टोरी, there's a storytelling in the singer's perspective also. So I think I've given a sensual take to it. It's much more simple. ज़्यादा कुछ instrumentation भी नहीं है. Gap हो गया क्योंकि album तो दो ready है मेरे, लेकिन अभी वो माहौल ही नहीं है जहाँ पे वो एल्बम को ठीक तरीके से रिलीज़ हुआ जाए। पहले म्यूज़िक वीडियोस के लिए चैनल्स में स्पेस होते थे, आजकल नहीं है, सिर्फ फिल्म म्यूज़िक बजाया जाता है। तो आई एम स्टिल पुटिंग आउट माय म्यूज़िक, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन इट। गाने तो बन जाते हैं, लेकिन उनको कपड़े पहना के बाहर भी भेजना पड़ता है, और वो कपड़े आजकल कम मिल रहे हैं। तो गाने हैं, आई परफॉर्म इट लाइव विथ माई बैंड, लेकिन इतना सारा आप एफर्ट डालो और एनर्जी डालो और रिसोर्सेज डालो, अपने सेविंग्स डालो, लेकिन उसे 10,000 लोग सुने, या पाँच अपने फैमिली और फ्रेंड्स आपको सुन के खुश हो जाएं, इट डजंट मेक सेंस। आई मीन आई एम जस्ट एज प्राउड ऑफ दिल आजकल, क्योंकि थैंकफुली द टीम बैक द सॉन्ग, दे फीचर मी इन द वीडियो। तो एक रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट के लिए, ना कि इट्स नॉट जस्ट अ लिप सॉन्ग, लिप सिंग सॉन्ग। आपने अगर वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सबको दिखाइए।